भाभी, इंसान कसम तभी खाता है जब वो सच बोलता है। लक्ष्मी नहीं खाएगी क्योंकि वो कुछ छुपा रही है। माँ लक्ष्मी, सच सच बताओ, मैं तुम्हें भी जानता हूं और अपनी बहन निधि को भी जानता हूं। निधि ने क्या किया तुम्हारे साथ? आप जानना चाहते हैं ना? आपका हक भी है, आपको सब सच सच बताऊंगी। निधि ने आज मेरा मेकअप किया, दीदी भी देखने आई थी। हाँ। उन्हें अच्छा लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं वो, टचअप करना है। और फिर मुझे बस ये स्प्रे और हाइलाइटर लगाना। ठीक तो लग रहा है। अरे ये मेकअप नहीं है, ये पसीना या टच करने से मेकअप ना निकले उसके लिए। कार्तिक जी रुकिए। लक्ष्मी प्लीज मुझे रोको मत। नहीं कार्तिक जी प्लीज, बाहर मेहमान आए हुए हैं, न्यूज वाले हैं, पहले मेरी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है, अब आप और इसमें तूल मत दीजिए। और अपने घर की बात है ना, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। सब जानते हुए भी मैं चुप नहीं बैठ सकता माँ लक्ष्मी। तामाजी आपका कहना सही है, लेकिन लक्ष्मी भी सही कह रही है, ये सही मौका नहीं है। क्यों बाहर वालों के सामने अपने घर की बखिया उधेड़े, वैसे भी उन्हें तो मसाला ही चाहिए। आप इतने बड़े स्टार है, सब तमाशा बनाएंगे और अपने घर की बदनामी होगी वो अलग। आप जाइए और शांत रहिएगा, मैं लक्ष्मी को लेकर आती हूँ। एक वो है माँ लक्ष्मी जिसने तुम्हारी सारे मेहमानों के सामने बेइज्जती की, और एक तुम, आप दोनों हैं जो मेरे घर की इज्जत बचा रहे हैं। लक्ष्मी सो सॉरी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए। कार्तिक जी प्लीज प्लीज, आप सॉरी मत कहिए, आप जाइए, हम आते हैं। आज मेरी नजर में बड़ी हो गई तो लक्ष्मी, आज तूने एक पत्नी और बहू दोनों का धर्म निभाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम थी, पर अब सब सही है। सो मीट माय वाइफ। अरे वाह गायत्री, ये तो पूरी परी लग रही है। गायत्री तुमने सही कहा था, रिसेप्शन में तो ये बिल्कुल अलग लग रही है, डिसेंट एलिगेंट, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। कुसुम तुमने अति उत्तम जोड़ी बनाई है। भाभी कार्तिक को आपके साथ दो चार पिक्चर्स क्लिक करा लेनी चाहिए थी, नहीं उसने तो आपकी तरफ देखा तक नहीं, आप यहीं की यहीं खड़ी रह गई और वो अपनी पत्नी के पास चला गया। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए भाभी, आपका समय समाप्त। माता रानी दोनों को ऐसे ही खुश रखे, बहुत ख्याल रखता है कार्तिक उसका, इसके लिए किसी से भी लड़ जाएगा।